ऊंट की सवारी। अरे बाप रे भाई साहब, जिंदगी में पहली बार ऊंट पे बैठ रहा हूँ। वो देख रहे हो, वो जो है ना, वो है सुदामा ब्रिज। मस्त लग रहा है ना। चलो आज चलते हैं वॉक पे लेके आपको। चलो सो स्टे ट्यून, चलते हैं। नया व्लॉग है, दिन वही है। बाय द वे, अगर मैं बात करूं तो ये मेरी ट्रिप का 5, 7, 8वां दिन है। 8वां दिन है और 8वां दिन 9वां दिन हो गया। मैं 22 को निकला था तो 9वां दिन हो गया। तो चलो निकलते हैं बाहर, बात करते हैं। चलो चलो चलो। देखो आतंक, आतंक गाय का आतंक, सब इकट्ठा हो गई है, सब इकट्ठा हो गई है और सब पीछे पड़ जाते हैं। मछली का दाना बहुत डाला मैंने सुबह, सुबह बहुत डाल दिया दाना। और अम्मा ठीक हो? लिया तो कितना डालेगा आदमी, क्यों छोड़ूं? कैसे, क्या चाल, क्या कर रहा है? प्लास्टिक मेरे पास 5 रुपये, मेरे पास 5 रुपये, मतलब तू भीख मांग रहा है क्यों? गंदी बात ना, मेहनत कर रहा हूँ ना, भीख नहीं मांगना कभी, भीख नहीं मांगना कभी है? नहीं, 5 रुपये तो नहीं है मेरे पास है? क्या है? रुपया तो नहीं है, नोट है मेरे पास, रुपया नहीं है, नोट है मेरे पास, रुपया नहीं है। 100 की तो फिर अभी क्या करें? रुक जा, मैं टिकट लेता हूँ ना उधर से, तो खुले देगा तो देता हूँ, ठीक है? नाम क्या तेरा? हैं? क्या नाम है? राहुल। राहु? राहुल बोला, राहुल। घर वालों ने भी क्या राहु नाम रखा। अच्छा सही है। तो फिर हमारे साथ राहुल चल रहे हैं और इनको हमें 5 रुपये देने हैं, जैसा कि हम वादा कर चुके हैं, जो कि हम देंगे शायद। और हम जा रहे हैं सुदामा ब्रिज पे। सुदामा ब्रिज की खास बात क्या है बताओ? तुम्हें कुछ नहीं पता क्यों? गोमती के लिए पता है। गोमती के क्या पता है बताओ, गोमती के बारे में बताओ। गोमती में अपने काल अमास के दिन हो ना, तो गोमती में नहीं ना, तो बहुत बहुत असर होता है। बहुत क्या होता है? औलाद। औलाद होती है? हाँ ना। किसके? हैं? पुण्य का काम होता है। पुण्य का काम होता है। अच्छा तो तुमने डुबकी मारी? मैंने तो मारी। तुमने पुण्य कमाया? पर अमास के दिन कुछ पुण्य नहीं कमाया, खुद दूसरों को कहानियां सुना रहा है बस। लकली हम सही टाइम पे निकल गए, कल की तरह लेट नहीं हुए। कल तो बहुत लेट हो, कल आके आराम आराम, कल आराम करने के चक्कर में बहुत लेट हो गया था यार। तो आज I want to show you something, wait. हाँ क्या मजे हो रहे हैं यहाँ पे, इतनी मस्ती हो रही है बाबा के पास। हाँ आराम मिल रहा है बाबा के पास। इतना आराम से बैठी हुई है वो,
या बैठा हुआ है, जो भी बोलो। चलो फिर अभी टिकट खरीदना है, टिकट खरीद के चलते हैं फिर। टिकट खुला है शायद, खुला है। कल लेट हो गए थे। चलो दिखाते हैं फिर आपको, दर्शन कराते हैं। सर एक टिकट, गूगल पे कर दूं? गूगल पे होता है? अरे यार फिर कहाँ से, आपके पास तो होने चाहिए ना, आपको तो 10-10 रुपए मिलते होंगे, हैं? मोदी जी की वजह से ना खुले की बड़ी परेशानी हो गई है आजकल। क्या कर सकते हैं यार, किसी के पास खुले नहीं है आजकल, सबकी वही है, बड़े बड़े नोट, छोटे नोट और लाओ मोदी जी। मैं मुंबई से जी। चलो धन्यवाद भैया। कितने बजे तक खुला है? 7:30 ना। मास्क लगाओ, टिकट दिखाओ। अरे वो छोटू मेरे पीछे आ रहा था, ओए ये ले। और ये है सुदामा ब्रिज। लग तो अच्छा रहा यार, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, फिर भी गुजराती जिनको आती है तो गुजराती दर्शकों देख लो भैया क्या लिखा है, वो मुझे भी बता देना क्योंकि मुझे नहीं पता क्या लिखा है। ओहो है तो अच्छा यार, सुदामा सेतु देखो। यू देखा जबरदस्त, यहाँ तो फोटो खींचना बनता है, फोटो खींचने के लिए तो आते हैं, और क्या करेंगे, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। आई नो आई एम बीइंग सो मीन बट लेट्स गेट अ नाइस पिक्चर। और ये ब्रिज हिलता हुआ मेरे को लग रहा है। ओके थोड़ी देर में व्लॉग बनाते हैं, आपको दिखा तो दिया है मैंने यार, और कितना देखोगे। ठीक है मेरे को जरा अच्छी सी अच्छी फोटो लेने दो, रिवर्स में जा रहे हैं। चलो बताता हूँ, देख लिया, अब हम करेंगे ऊँट की सवारी, देखते हैं ऊँट है यहाँ पे। अब मुझे नहीं, ओ माय गॉड, आई जस्ट वाओ, ओके ओके वाओ, आई एम ट्राइंग वन मोर, हेलो वाओ, आवाज़ यहाँ गूंज रही है। वेट, आई नीड टू क्लिक अ पिक्चर, सन इज़ लुकिंग फैंटास्टिक फ्रॉम हियर। अरे द साउंड, हेलो, गूंज रही है यहाँ पे आवाज़। चल कस के ना, वो ओके ओके, एक ही बेर रुको लो, कैमरा दो, घुमाओ लो बेटा, कैमरा दीजिए। ओ भाई ये तो जबरदस्त चीज है, चलो भाई। ऊंट की सवारी, अरे बाप रे, भाई साहब जिंदगी में पहली बार ऊंट पे बैठ रहा हूँ, और हमारा ऊंट बढ़िया है, एक नंबर ऊंट है,
और ये हमारा दोस्त है भाई, आपका नाम क्या है? देवी शंकर। देवी शंकर जी धन्यवाद, हमारे ऊंट महाराज को भी धन्यवाद। हमारे ऊंट ऊंट जी का क्या नाम है? केमल नाम, हीरा लाल नाम है हमारे ऊंट का, हमारे कैमल का। और बहुत ही प्यारे ऊंट हैं और मेरे को कस के पकड़ना है वरना मैं गिर जाऊंगा, समझे तुम? तो इसीलिए हाथ मेरा जबरदस्त है। एक मिनट, सुपर व्यू में करना पड़ेगा। सुपर व्यू में कर दिया कैमरा अब मैंने, ताकि वाइड एंगल दिख सके। देख लो भाई साहब, क्या बात है। कितनी देर तक बैठ सकता है आदमी इस पे कोई? हाँ, ये तो टांगे दर्द होने लगी। ओह चलो, अभी मैं मज़े लेता हूँ, बाद में और डालता हूँ वीडियो इससे उतर के, वरना माइंड डाइवर्ट हो रहा है अभी मेरा, समझ रहे हो? समुद्र के किनारे पहुँच गए हैं, सूरज डूबते डूबते, अगर पैदल आता तब तो बहुत टाइम लग जाता था, पर देखो सूरज ऑलमोस्ट डूब चुका है। और ये है हमारी ऊंट की सवारी, क्या बात है। This is a bit riskier. All right. वो देखो सामने लाइट हाउस। भाई अच्छा, पैर चिपका के रखना है ना? हाँ वही, मैं जब पैर खोल रहा हूँ ना तो डिसबैलेंस हो जा रहा हूँ। पीछे मेरे आपको सिल्वेट दिखाई दे रही होगी, सिल्वेट सूरज की रोशनी की, और शायद शोर में मेरी आवाज़ ना सुनाई दे रही हो। ये मशीनों का शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो देखो, यहाँ से आपको द्वारकाधीश भी दिख जाएंगे। वो देखो द्वारकाधीश सामने मंदिर है, मैं दूसरे हाथ से पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक हाथ से देखो कस के पकड़ना पड़ता है। वो है द्वारकाधीश हमारे सामने, और ये रहा सुदामा ब्रिज। और अभी हम जा रहे हैं, अब हो गया, अभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अभी बाद में उतरने के बाद बनाऊंगा। सो देवी शंकर जी ने हमारी ऊंट की राइड करा दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कोई बात नहीं, आ जाएगा, सीख लोगे, कौन सी बड़ी चीज़ है दोस्त, अंग्रेजी कुछ भी नहीं है। हिंदी में धन्यवाद को क्या बोलते हैं? ये देख ले, हिंदी में धन्यवाद को थैंक यू बोलते हैं, अंग्रेजी में नहीं बोलते। लो चलो बाय, चलो धन्यवाद भाई। सो फाइनली वी आर डन एंड प्रॉब्ली शुड आई सिट, दे गोइंग टू शट दिस प्लेस बाय 7, सो प्रॉब्ली आई विल सिट हियर एंड जस्ट हैव अ व्यू, सो लेट्स जस्ट एंजॉय इट। राइट, सो फाइनली वी आर, हम लोग नदी के किनारे पे हैं, नदी या समंदर जो भी बोल दीजिए, पर गोमती नदी है ये। रुको, लाओ हाथ दो इधर, हाथ दो, संभल के, एक मिनट, शाबाश। सो यहाँ पे हैं हम नदी के किनारे पे, आपको दिखाते हैं दृश्य। अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबाइए, ना अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। बाकी सब बढ़िया, बाय द वे जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जो सामने समंदर है, तो ये नदी यहाँ से निकलते हुए समंदर पे मिल रही है सामने, तो ये एक तरीके से डेल्टा है जहाँ पे नदी समंदर से मिलती है। जिन लोगों को नहीं पता उनको इन्फॉर्म करने के लिए मैं बता दिया, मैंने सोचा।